वेलकम टू दोस्तों, आज आपका स्वागत है हिम सिंह टेक्निकल चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आएंगे एक बेहतरीन वीडियो, नाइस हैश। तो दोस्तों, बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के बारे में आज हर आदमी जानते हैं। अगर आप नहीं जानते तो आने वाला फ्यूचर डिजिटल करेंसी का ही है, जिसे अब भारत सरकार भी मानने लग गई है। धीरे धीरे बहुत सारी एप्स KYC के थ्रू भी इस करेंसी को ट्रेड करने या विड्रॉ करने या बाय करने का ऑप्शन दे रही है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए एक बेहतरीन वीडियो जिसमें आप पैसा कमा सकते हैं। तो इसमें क्या है, एक वेबसाइट है NiceHash, इस वेबसाइट के जरिए आप पैसा कमा सकते हैं। शर्त है आपके पास एक ऐसा कंप्यूटर होना चाहिए जिसमें ग्राफिक कार्ड लगाओ। जितना बड़ा ग्राफिक कार्ड उतने ही आप पैसे कमा सकते हैं। पैसा कैसे कमाना है, तो वीडियो को लंबा ना करते हुए, वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा इसलिए इसको जल्द से जल्द बताते हैं। तो ये एक वेबसाइट खोलनी है आपने, NiceHash.com। ये वेबसाइट आपके सामने, वेबसाइट को स्पॉन्सर नहीं है, सिर्फ आप लोगों के लिए है। फॉरेन में बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं, मेट्रो सिटीज इंडिया में भी ये काम शुरू हो गया है। NiceHash.com आपने ओपन करनी है। सबसे पहले जो हार्डवेयर आपके पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आपने प्रॉफिट चेक करना है। जैसे यहाँ पे दो तरीके हैं, ऑटो डिटेक्ट माई हार्डवेयर, जिस कंप्यूटर पर आपने ये माइनिंग वाला काम करना है वहां पे आप ऑटो डिटेक्ट के थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। मगर हमारे पास एक ऑप्शन और भी है, अगर आप ऑटो डिटेक्ट नहीं करना चाहते तो एंटर मैनुअली। आप यहाँ पे देखिए किस करेंसी में आप देखना चाहते हैं, हम INR कर लेते हैं, हम इंडियन करेंसी के अंदर इस रिव्यू को देखना चाहते हैं, तो INR कीजिए। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आप चाहे तो कैलकुलेट करवा लीजिए, कितने किलोवाट है, वो सब कुछ बात की बात है कि जब आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप चलेगा तो कितना वो लाइट कंज्यूम करता है, वो आप किसी इलेक्ट्रिसिटी वाले से एम्पियर मीटर से मेजर करवा लीजिए और फिर आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डिवाइस बताना है, जैसे मेरे पास NVIDIA कंपनी का एक ग्राफिक कार्ड है दोस्तों, RTX 3070 Ti। जैसे आप यहां लिखेंगे आपका ग्राफिक कार्ड Ti, जैसे आप इस ग्राफिक कार्ड को चूज करते हैं और कैलकुलेट करते हैं तो ये आपको रेट दे देगा। तो दोस्तों, अगर आपके जैसे मेरा ग्राफिक कार्ड है, ये एक दिन में 186 रुपए 43 पैसे आपको कमा के देगा। आपको कुछ नहीं करना, NiceHash पर फ्री ऑफ कॉस्ट एक अकाउंट साइन अप करके गेट स्टार्ट करके बनाना है और बनाने के बाद आपको माइनिंग करनी है। कैसे माइनिंग होती है वो पूरी इस वीडियो में बने रहे, मैं आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो उसे देखने के लिए चलते हैं आगे। तो ये देखिए मेरा ग्राफिक कार्ड ये पैसे कमा रहा है, इससे बड़ा ग्राफिक कार्ड भी अगर किसी के पास है तो इससे ज्यादा पैसे भी कमा सकता है। एक कंप्यूटर में अगर आप टेक्निकल है या किसी टेक्निकल पर्सन की हेल्प लेते हैं तो ज्यादा ग्राफिक कार्ड भी लगाए जा सकते हैं। मान लीजिए मेरे कंप्यूटर में एक ग्राफिक कार्ड है तो मैं 186 रुपए एस्टिमेटेड पर डे कमाऊंगा। अगर मैं इस कंप्यूटर में दो ग्राफिक कार्ड लगा दूं तो ये जो इनकम है ये भी बढ़कर दो गुना हो जाएगी। ये देखिए 369, तीन लगा दो। लोग ऐसी ऐसी माइनिंग फैक्ट्रीज भी, जिसे माइनिंग फॉर्म बोलते हैं, वो भी स्टैब्लिश कर रहे हैं। देखिए तीन ग्राफिक कार्ड है तो आप पर डे आपको कहीं नहीं जाना है, कंप्यूटर ऑन करके रखना है और आप अर्निंग कर सकते हैं। करना कैसे है, चलो देर ना करते हुए जल्दी देखते हैं। आपको इस वेबसाइट पे आना है NiceHash.com, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे। ऐसी बहुत सारी एप्स और भी हैं बट हम इस वेब पे ज़्यादा काम कर रहे हैं तो हम इसी का दिखा रहे हैं। तो करते हैं गेट स्टार्टेड। तो जैसे आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा, जैसे हर वेबसाइट पर आता है। अगर आप कंप्यूटर चला रहे हैं तो आपको ये पता होगा, हर वेबसाइट पर ऐसे फॉर्म आते हैं। आपका ईमेल आईडी, आपका पासवर्ड, आपका दोबारा पासवर्ड और फिर आपका कंट्री और फिर आपको कंफर्म करके क्रिएट अकाउंट करना है। एक OTP जाएगा आपके ईमेल आईडी पर, एक OTP जाएगा आपके फ़ोन नंबर पर, दोनों डालिए, आप इसको सिंक कर लेंगे और आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। तो चलिए दिखाते हैं, मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है, मैं उसको लॉगिन करके दिखा देता हूँ।
यहाँ पर मेरा अकाउंट आ गया। देखिए दोस्तों, अगर आपने लॉग इन कर रखा है तो यहाँ पर आपका अकाउंट दिखाई देगा। अभी मैंने किसी भी कंप्यूटर पे माइनिंग शुरू नहीं कर रखी, तो मेरी जो रिंग है, इनको रिंग बोलते हैं जो माइनिंग कंप्यूटर होंगे, तो अभी वो इनएक्टिव रिंग आ रहे हैं। अगर हम यहाँ दिखाई देंगे तो ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहले डैशबोर्ड, माइनिंग, बाय एंड सेल क्रिप्टो, एक्सचेंज, हैशवर्क एंड वॉलेट। तो माइनिंग में सारी गेम है। यहाँ पे आपको गेम को समझना है। जो भी आप ग्राफिक कार्ड काम करेंगे वो यहाँ रिंग्स में लिस्टेड हो जाएंगे, जितने भी ग्राफिक कार्ड है। और प्रत्येक ग्राफिक कार्ड का पैसा आपको यहाँ दिखाई देगा। आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका माइनिंग एड्रेस दिखाई देगा। ये मेरा माइनिंग एड्रेस है। इसी तरह आपको माइनिंग एड्रेस दिखाई देगा, आप इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है डाउनलोड द माइनर ऐड सॉफ्टवेयर। तो ये वाला सॉफ्टवेयर ज्यादा क्विकली है पर ये काम नहीं करता, इसलिए हम ये वाला सॉफ्टवेयर डालेंगे। यहाँ क्लिक करना है, डाउनलोड नाइस हैश माइनर करना है और डाउनलोडिंग होना शुरू हो जाएंगे। तो ये डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी और सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल हो जाएगा। ये सॉफ्टवेयर आपसे बदले में माइनिंग एड्रेस मांगेगा जो वहां से आपने कॉपी किया था। माइनिंग एड्रेस सॉफ्टवेयर में डाल दीजिए और आपका सॉफ्टवेयर चलने के लिए तैयार है। जब ये सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपके डेस्कटॉप पर। इस नाइस हैश माइनर सॉफ्टवेयर को आप रन कर दीजिए, ये रन होगा और जो ईमेल आईडी और पासवर्ड आपने बनाए थे लॉगिन करने के लिए उसको एक बार आपसे मांगेगा और फिर ये चलने के लिए तैयार हो जाएगा। इसमें भी कुछ सेटिंग्स है, मैं आपको दिखा दूं। आपको जाना है इस सेटिंग्स वाली गिरारी वाले आइकन पर सॉफ्टवेयर में और आप यहाँ पे करेंसी आएगी यूएस डॉलर, आप इसको INR कर लें ताकि आपको इंडियन रुपीज में आपका बेनिफिट दिखाई दे। और उसके बाद आप इस सॉफ्टवेयर को रन कर दीजिए तो आपका कंप्यूटर माइनिंग करना शुरू कर देगा और आपके पैसे उस वेबसाइट डैशबोर्ड पर बनने शुरू हो जाएंगे और जो रिंग मेरी इनएक्टिव आ रही थी वो एक्टिव आ जाएगी, परंतु इसमें थोड़ा सा समय लगता है। जैसे सॉफ्टवेयर माइनिंग स्टार्ट कर देगा तो कुछ देर बाद वो माइनिंग रिजल्ट डैशबोर्ड पे अपलोड होंगे, यानी कि वो इंटरनेट पे जो इन्फॉर्मेशन भेजेगा वो थोड़ी देर बाद वहाँ दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम इसे स्टार्ट करते हैं माइनिंग। तो ये स्टार्ट हो गई माइनिंग। ये बेंचमार्क मार्किंग करेगा, यानी कि जो सोर्स पॉइंट है, ये अकेला बिटकॉइन की माइनिंग नहीं करता, इथेरियम की माइनिंग सबसे ज्यादा होती है क्योंकि बिटकॉइन जितने माइन होने थे वो हो चुके हैं, कुछ लिमिटेड से ही बिटकॉइन शेष है जो माइनिंग हो रहे होंगे। तो अभी बिटकॉइन की माइनिंग लिमिटेड होती है इसलिए इथेरियम की माइनिंग भी करता है। आप बेंचमार्क में जाके देख सकते हैं, ये आपका जो बेंचमार्क है ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। GPU और CPU दो की माइनिंग होती है, आप CPU से माइनिंग मत कीजिए, आपका CPU क्रैश भी हो सकता है। CPU से माइनिंग पे ज़्यादा बेनिफिट भी नहीं है, ज़्यादा अर्निंग भी नहीं है, तो केवल GPU की माइनिंग पर अर्निंग है। तो यहाँ अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको बेंचमार्क दिखेंगे, तो मेरे देख सकते हैं 3 बेंचमार्क ग्रीन हो गए हैं जिन पर माइनिंग शुरू हो गई है, 2 बेंचमार्क अभी पेंडिंग है। तो ये रेट आ रहे हैं, तो ये सबसे अच्छी इस पर हो रही है केन पाओ पे, इस पर 8.28 MHz का हैशटैग हैश रेट मिल रहा है मुझे, जिस पर अच्छी माइनिंग हमें निकाल के देगा। तो ये मेरा लैपटॉप से मैं ये वीडियो को शूट कर रहा हूँ। मेरे लैपटॉप में जो ग्राफिक कार्ड है वो NVIDIA का GTX 1650 Ti है। ये ग्राफिक कार्ड छोटा ग्राफिक कार्ड है, 4GB है और लैपटॉप का है, तो इससे जो अर्निंग है वो 30 से 40 रुपये ही एक दिन की होती है। जो जितना छोटा ग्राफिक कार्ड होगा, GPU होगा, उतनी कम अर्निंग होगी। तो ये माइनिंग ऐसे शुरू हो जाएंगे, ये आपने कुछ भी शुरू नहीं करना है, सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट रन करनी है और ये माइनिंग शुरू हो जाएगी। इस माइनिंग के रिजल्ट पहले आपको सॉफ्टवेयर में दिखने को मिलेंगे। आपका कंप्यूटर से जो माइनिंग हो रहा है वो करंट प्रॉफिटेबल में आपको दिखाई देगा। अभी यहाँ पे 0-0 दिखाई दे रहा है। ये सॉफ्टवेयर अपने आप आपको प्रॉफिट रेट निकाल के देगा कि आप 24 घंटे अगर इस कंप्यूटर को चलाते हैं तो कितनी माइनिंग से पैसा आप कमा सकते हैं। माइनिंग CPU से मत करना, मैंने भी CPU के माइनिंग को डिसेबल किया हुआ आप देख सकते हैं। हमेशा माइनिंग करना GPU से, GPU से जो माइनिंग करेंगे वो काफ़ी ही सक्सेसफुल रहेगी, काफ़ी ही कामयाब रहेगी। तो ये माइनिंग शुरू हो गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉफिट रेट आ गया है, यानी कि हम 24 घंटे के अंदर
नौ सौ, ये जो जीरो है एक, ये जीरो वन डॉट के बाद अगर वन आता है यहाँ पे, तो एक बिटकॉइन की कीमत करीबन 30 लाख रुपए है। हम उसके कुछ पैसों में काम कर रहे हैं, तो हम 926,000 MBTC यानी कि उसके जो पैसे वाली इकाई है वो क्रिएट करेंगे, जिसकी इंडियन रुपीस बनेगी 30 रुपीस। मैंने बताया था मेरा एक ग्राफिक कार्ड लैपटॉप में छोटा है, जिससे मैं आपको एक बारी डेमो के लिए शूट कर रहा हूँ, तो ये एक दिन में करीबन 30 से 40 रुपए की माइनिंग कर पाता है 4 GB का ग्राफिक कार्ड। अगर आपके पास 8 GB ग्राफिक कार्ड है तो वो करीबन करीबन, और नया मॉडल है RTX वाला, तो वो करीबन करीबन 150 से 200 रुपए के बीच, यानी कि 170-180 रुपए के बीच माइनिंग कर पाता है पर डे। उससे बड़ा कार्ड, ग्राफिक कार्ड है 10 GB 12 GB GTX में 3080 है या 3080 Ti है, तो वो माइनिंग उससे ज़्यादा करेंगे। और सबसे बड़ा ग्राफिक कार्ड है जो 24 GB का है, NVIDIA RTX 3090, उससे करीबन 350 से 400 रुपये एक दिन में माइनिंग होते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है, डिजिटल करेंसी को माइन कीजिए, पैसा आपके पास है। अब आप कहेंगे कि पैसा हमारे पास आएगा कैसे, माइन तो हो गया। अब देखिए वेबसाइट डैशबोर्ड पे आते हैं, दिखा दूँ आपको जो माइनिंग रिंग थी डैशबोर्ड पे आए। यहाँ पे देखिए एक रिंग मेरी एक्टिव आ जाएगी, जो इस लैपटॉप पे अभी माइनिंग स्टार्ट हो गया है, ये रिंग अभी पूरा ग्रीन राउंड हो जाएगी जब माइनिंग स्टार्ट हो जाएगा तो। और उसके बाद माइनिंग में जाएंगे तो यहाँ पे रेट आ जाएगा, कितना आपका प्रोसेसर गर्म हो रहा है उसका टेम्परेचर आएगा, जीपीयू पे माइनिंग होता है, जीपीयू का आएगा, तो यहाँ जीपीयू का रेट आ जाएगा। ये जो अभी सॉफ्टवेयर में रेट आ गया है, ये रेट डैशबोर्ड पे आने पे इंटरनेट के थ्रू कुछ देर बाद आता है, कुछ 5-4-5 मिनट का गैप रहता है, यहाँ पर वो डिटेल्स यहाँ भी सॉफ्टवेयर वाली आपको दिखाई देगी। तो जितना भी आप माइनिंग करोगे वो उसका एक नेक्स्ट पे आउट टाइम बनेगा, जो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, देखिए नेक्स्ट पे आउट टाइम। इस नेक्स्ट पे आउट टाइम पे अभी 1 घंटा 59 मिनट बाद पे आउट होगा, यानी कि यहाँ जो भी माइनिंग होगा इस जगह पे एक्चुअल प्रॉफिटेबल में, वो माइनिंग आपके अनपेड माइनिंग बैलेंस में आ जाएगा। जैसे मेरे पास ये पहले से पड़े हैं 233 BTC, यानी कि 233 BTC पड़े हैं, जिसका इंडियन रुपीज बनता है 7.57 रुपीज, ये पैसा मेरे पास पड़ा है। जैसे अब माइनिंग होगा वो पैसा, ये जो नेक्स्ट पे आउट डे जो आपको दिख रहा है माइनिंग के दौरान, उस टाइम के बाद आपके इस अनपेड माइनिंग बैलेंस में आ जाएगा। और यहाँ पे एक कंडीशन काम करती है जी, ये देखिए यू मच रीच द मिनिमम ऑफ 1000 सतोसिस, यानी कि जब आप ये 235 वाले मेरे 1000 से अबव चले जाएंगे तो ये मेरे BTC वॉलेट में आ जाएंगे, जहां मेरे पास अभी देखिए 1160 BTC पड़े हैं, जिनकी रुपीज में कीमत है 37.71 रुपए एस्टिमेटेड। इसमें कुछ ब्रोकरेज और एक्सचेंज प्राइस लगते हैं, तो वो बात की बात है। अभी देखिए BTC यहाँ पे दिखने लग गए हैं आपको माइन होके, 576 अभी रिफ्लेक्ट हुआ है यहाँ पे, 18.73 रुपए, यानी कि इस स्पीड से अगर माइनिंग होती थी तो हम 24 घंटे में इस प्रोसेसर, इस GPU से 18 रुपए कमा पाएंगे, और कहने का मतलब 576 BTC से कमा पाएंगे पैसों के रूप में। तो ये जो 576 का जो भी इकाई है एक घंटे में जितना बनेगा, वो BTC हमें यहाँ पे अनपेड में आएगा। जब ये 235 1000 से ऊपर चले जाएंगे तो वो पैसा मेरा इस BTC वॉलेट में बैलेंस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और फिर आपको आना है वॉलेट में। इस वॉलेट से जब पैसा आप, मतलब BTC डिपॉजिट भी कर सकते हैं, विड्रॉ भी, विड्रॉ करेंगे तो एक शर्त काम करती है। ये BTC वॉलेट हमें नाइस हैश ने बना के दिया है, और ये वाला वॉलेट मेरा एक WazirX ऐप का है। देखिए दोस्तों, ये जो नाइस हैश ऐप है ये इंडियन नहीं है, तो ये इंडिया के बैंक में पैसा डायरेक्ट नहीं दे सकती, यहां से पैसा आपको, मैंने कि बिटकॉइन वॉलेट में तो नाइस हैश दे देगी, इस नाइस हैश बिटकॉइन से आपको पैसा इस हेमसिंग, जो मैंने एक और मेरा ऐप है, जो ऐप आपको मोबाइल में डालना पड़ेगा WazirX, ये भी फ्री है, इस पर भी मैं आपको ट्यूटोरियल दूंगा, परंतु मेरी इस वीडियो पे जब 1000 से ज्यादा लाइक आ जाएंगे और आपके कमेंट आएंगे कि हमें बताया जाए कि कैसे WazirX से हम इंडियन रुपीस कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत नॉर्मल से चार्जेस देकर कर सकते हैं, वो चार्जेस ना के बराबर है, तो आपको इस नाइस हैश के बिटकॉइन वॉलेट से पैसा WazirX नाम की ऐप में डालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे डालने का फिर एक शर्त है, यहाँ पे जब आपके पास यहाँ BTC हो जाएंगे 0.00
यानी कि 50,087 हो जाएंगे, और करेंसी की बात करें तो 8 से 9 हजार के बीच रकम बनेगी। जब आपके पास इतना पैसा हो जाएगा तो यहाँ देख सकते हैं आप, प्रोसेसिंग फीस लगेगी और नेटवर्क फीस है आपकी सिर्फ 16 रुपए, और ये ज्यादा भी हो सकता है। देखिए मैं डाल के दिखाता हूँ, 1 2 3 4, इतना पैसा जब आपके पास हो जाएगा तो आप विड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि 50,087 जब आपके पास हो जाएंगे तो आप उस पैसे को अपने बैंक में, क्योंकि मेरे पास अभी है नहीं इसलिए यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, परंतु कंडीशन यही है। आप नीचे देख भी सकते हैं मिनिमम विड्रॉ अमाउंट है 0.0005, यानी कि 0.0005। ये पैसा जैसे ही आप डालोगे तो आपके BTC आपको निकाल के दे दिए जाएंगे। अभी मेरा इनसफिशियंट आ रहा है तो ये आपके सामने है। इतने BTC जैसे ही आपके पास होते हैं, यानी कि करीबन 1609 रुपये के, तो 16 रुपये आपको लगेगा चार्जेस, और ये BTC आपके इस वजीरेक्स के बिटकॉइन महंगा वजीरेक्स से आप इस पैसे को अपने UPI एड्रेस के थ्रू किसी भी इंडियन बैंक में ले सकते हैं। तो ये था मेरा पूरा व्यू नाइस एस से कैसे बिटकॉइन माइन होते हैं। माइनिंग अभी भी शुरू है लाइव इस वीडियो में, आप मेरे माइनिंग डैशबोर्ड के साथ माइनिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ रेट आ रहा है, देखिए 1152 BTC 24 घंटे का एस्टिमेटेड दिया है इसने, 37 रुपये 45 पैसे, मैंने कहा था 30 से 40 रुपये की अर्निंग आप कर सकते हैं। ये मेरा 4 GB का लैपटॉप का GPU है, अगर ये GPU बड़ा है तो ये अर्निंग भी बड़ी हो जाएगी। तो ऐसे आप GPU लगाए और अपनी इन्वेस्टमेंट करें और पैसा कम है, ये एक नंबर का पैसा है, बिल्कुल सही माइनिंग है, और ये पैसा आपके इंडियन बैंक में मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। इसके साथ आपको एक वजीरेक्स वॉलेट और बनाना पड़ेगा, ये पैसा वहां से यहाँ से वजीरेक्स में जाएगा, वजीरेक्स से आपके बैंक अकाउंट में, तो बिल्कुल ये पैसा आता है। बहुत सारे लोगों ने माइनिंग बिजनेस कर रखा है और ये बिल्कुल अच्छा और सुरक्षित बिजनेस है, इसके थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। तो अब आप अगर ट्यूटर चाहते हैं कि ये तो मैं विंडो पे दिखाया है, नेक्स्ट मेरा वीडियो आएगा नाइस हैश के ऊपर लाइनक्स में ये कैसे काम कैसे करें, और नेक्स्ट वीडियो आएगा मेरा इसी के ऊपर कि वजीरेक्स के थ्रू पैसा कैसे विड्रॉ करें। तो उसके अंदर अभी मेरे वॉलेट में थोड़ा मनी कम है, मैंने ये शुरू किया है, जैसे मेरे वॉलेट में मनी आएगा तो मैं प्रैक्टिकली उस वजीरेक्स वाली वीडियो में वॉलेट बना के और नाइस हैश से पैसा वजीरेक्स में निकाल के दिखाऊंगा। तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक शेयर और कमेंट करें, और हमें बताएं कि हम आपके लिए ऐसे टेक्निकल आइडियाज कैसे लाएं। तो अभी तक का ये घर पर बैठकर आप अगर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो सबसे बेस्ट बिजनेस है, आप इसको यूज कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।